5 अक्टूबर 2022 का दिन हिमाचल प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर पहुंचकर प्रदेश को एम्स सहित कुल 3,650 करोड़ रुपए की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने बिलासपुर के बंदला में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी शुभारंभ किया और नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क और पिंजौर से नालागढ़ तक बनने वाली 4-लेन परियोजना की भी आधारशिला रखी। इससे पहले उन्होंने बिलासपुर में बने एम्स का दौरा किया और मरीजों को संस्थान में मिलने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं का जायजा लिया। ये एक अत्याधुनिक अस्पताल है जिसमें 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 64 आईसीयू बिस्तर के साथ 750 बिस्तर हैं। बाद में लुहणु मैदान में एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बिलासपुर जिले को शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र की दोहरी सौगात मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के आशीर्वाद व सहयोग से ही हिमाचल में विकास कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में पुरानी सोच को पीछे छोड़कर देश नई और आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। ये पावन पर्व हर बुराई से पार पाते हुए अमृत काल के लिए जिन पंच प्राणों का संकल्प देश ने लिया है उन पर चलने के लिए नई ऊर्जा देगा। मेरा सौभाग्य है कि विजयादशमी पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसका उपहार देने का अवसर मिला है। और ये भी देखिए संयोग, विजयादशमी हो और विजय का रंग रणसिंगा फूंकने का अवसर मिले, ये भविष्य के हर विजय के आगाज लेकर के आया है। बिलासपुर को तो शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का डबल गिफ्ट मिला है। कलुरारी बंदले धारा ऊपर हाइड्रो कॉलेज कने थल्ले प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 8 वर्षों में केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र रक्षा में हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा योगदान रहा है और अब एम्स के शुरू होने से हिमाचल को जीवन रक्षक राज्य के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये संस्थान पर्यावरण अनुकूल है और इसे ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रयासों से ही आज रिकॉर्ड समय में एम्स जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तैयार हुआ है। 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है, देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। बिलासपुर एम्स एक और बदलाव का प्रतीक भी है और एम्स के अंदर भी ये ग्रीन एम्स के नाम से जाना जाएगा। पूरी तरह पर्यावरण प्रेमी एम्स, प्रकृति प्रेमी एम्स। अभी हमारे सभी साथियों ने बताया, पहले सरकारें शिलान्यास का पत्थर लगाती थी और चुनाव निकलने के बाद भूल जाती थी, लेकिन हमारी सरकार की पहचान है कि
कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। अटकना, लटकना, भटकना, वो जमाना चला गया दोस्तों। राष्ट्र रक्षा में हमेशा से हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो हिमाचल पूरे देश में राष्ट्र रक्षा के वीरों के लिए जाना जाता है, वो हिमाचल अब इस एम्स के बाद जीवन रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर में एम्स के लोकार्पण को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से हिमाचल प्रदेश को केवल सपने दिखाए जाते थे, लेकिन इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिखाया है। 3 अक्टूबर 2017 को आदरणीय प्रधानमंत्री इसी मैदान में आकर के उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया था, और आज 5 अक्टूबर 2022 को वो समर्पित कर रहे हैं हमारे को एम्स का ऑल इंडियन सब मेडिकल साइंस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने कांग्रेस के जमाने में देखा कि शिलान्यास भी हुआ और उद्घाटन भी हुआ? देखा कभी? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम करने की शैली है। रीति बदला, रिवाज बदला, और आने वाले समय में तुम भी रिवाज बदलोगे, इस बात को हमको ध्यान में रखना है। आज हमको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला है हिमाचल को, 70 लाख की आबादी और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। प्रधानमंत्री जी, हिमाचल का एक एक व्यक्ति सदा आपका ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। हम याद रखेंगे, हम हिमाचली बहुत मन के पक्के लोग हैं। हम लोगों को प्यार चाहिए, और जो आपने प्यार दिया है उसको हम ब्याज समेत लौटाएंगे, इस बात का हम आपको वायदा करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब प्रदेशवासियों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता था, लेकिन प्रधानमंत्री ने एम्स का मतलब बिलासपुर कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से ही प्रदेश में आज हर क्षेत्र में विकास संभव हुआ है। हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब दिल्ली होता था, यानी कि जब एम्स का जिक्र होता तो स्वाभाविक रूप से मन मस्तिष्क में एक बात होती थी कि इलाज का यह अंतिम पड़ाव है जो दिल्ली में मिले। बहुत सारे लोग हौसला छोड़ जाते थे कि दिल्ली जाना मुश्किल, दिल्ली जाकर के इलाज करना मुश्किल, लेकिन आपने इस पहाड़ की इस पीड़ा को समझा और आपने हम हिमाचल वालों के लिए एम्स का मतलब बिलासपुर कर दिया, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें जो काम 60 वर्षों में नहीं कर पाई, उसे प्रधानमंत्री ने 8 वर्षों में कर दिखाया है। आत्मनिर्भर भारत को भी बना रहे, और आपके नेतृत्व में जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया उसको भी पछाड़ कर आज हिंदुस्तान 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। मित्रों, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर भारत पीछे रहा हो। गरीबों का उत्थान और गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम भी रिकॉर्ड समय में अगर इस देश में किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, जो लोग 60 साल में नहीं कर पाए वो मोदी जी ने 8 साल में करने का काम किया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, किशन कपूर, इंदु गोस्वामी और सिकंदर कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, शिमला।